हेलो एवरीवन, तो वेलकम है आपका अपने यूट्यूब चैनल गार्डन दोस्त में। तो दोस्तों, जैसे कि आज आप देख रहे हैं, मेरा रोज़ का प्लांट है हाइब्रिड वाला, जो कि काफ़ी प्यारी है, ब्लूमिंग पर है। लेकिन इसकी जो कंडीशन है दोस्तों, कुछ इस तरीके से इसके लीव्स कर्ली हो रखे हैं। तो मैं इसको ट्रिम करूं या नहीं करूं, ये आपको बताना है। तो दोस्तों, इस पे काफ़ी सारे वर्ड्स हैं और साथ में ब्लूमिंग इस पे होती ही रहती है, तो मेरा मन नहीं कर रहा इसको कट करने का, क्योंकि दोस्तों हमें जो चाहिए ब्लूमिंग ही चाहिए। तो दोस्तों, ये ब्लूमिंग कर रहा है और मेरा ग्राउंड में है, तो इसकी कुछ ज़्यादा केयर नहीं हो पाती, तो इसलिए दोस्तों इसकी कंडीशन कुछ इस तरीके से हो रखी है। लेकिन इसने काफ़ी सारे वर्ड्स बनाए हुए हैं, तो दिल नहीं कर रहा मेरा इसको ट्रिम करने का, तो मैंने रहने दिया है और मैं आपके साथ इसको शेयर कर रहा हूँ। तो क्या आपके भी रोज़ के प्लांट इस तरीके से हो रहे हैं दोस्तों? अगर हो रहे हैं, उन पर अगर ब्लूमिंग हो रही है, तो आप नहीं कर चाहें तो कर सकते हैं ब्लूमिंग, अगर नहीं चाहते हैं तो कर दें दोस्तों, नहीं तो मैंने तो नहीं की है, क्योंकि मुझे जो चाहिए दोस्तों ब्लूमिंग बहुत ही प्यारी रोज़ की होती है। तो देख सकते हैं इधर कितना प्यारा सा दोस्तों इस पर इसने ब्लूम कर रहे हैं, कलियाँ हैं इन पर काफ़ी सारी। तो इनमें आप इनकी केयर के लिए दोस्तों इस टाइम ये और अच्छी हमें ब्लूमिंग करें, तो हम इसमें खाद दे सकते हैं, गोबर वाली कंपोस्ट, तो उससे भी काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। और जो प्रूनिंग करने का भी दोस्तों काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट मिलता है, प्लांट जो है अपनी न्यू ग्रोथ करता है और काफ़ी अच्छा ब्लूमिंग स्टेज पर आता है, और प्लांट की जो शेप है दोस्तों उसको भी मेंटेन किया जाता है प्रूनिंग से। तो कुछ इस तरीके से ये मेरा गुलाब है दोस्तों, काफ़ी बड़ा सा हो गया है, और इस पे देखिए दोस्तों जगह जगह काफ़ी सारे बड्स और फ्लावर खिले हुए हैं। तो देख सकते हैं काफ़ी प्यारा सा ये गुलाब का मेरा प्लांट है, और मेरे पास दोस्तों काफ़ी सारे हाइब्रिड वैरायटी के गुलाब के प्लांट हैं, लेकिन मैं अभी आपके साथ यही शेयर कर रहा हूं। तो आप भी अपने गुलाब के प्लांट को दोस्तों इस टाइम खाद वगैरह दे सकते हैं, ताकि ये जो टाइमिंग है दोस्तों काफ़ी अच्छा टाइम है गुलाब्स को ग्रो करने का, और ये इस टाइम काफ़ी अच्छी ब्लूमिंग करते हैं और काफ़ी अच्छे से दोस्तों इनकी कटिंग भी इस टाइम हो जाती है। तो आप चाहें तो इन्हें कटिंग से भी ग्रो कर सकते हैं, जैसे कि अगर आप इनकी प्रूनिंग करते हैं दोस्तों, तो कटिंग्स वगैरह तो निकलती हैं काफ़ी सारी, तो आप उनको भी ग्रो कर सकते हैं, क्योंकि ये जो टाइमिंग है बेस्ट टाइमिंग है गुलाब्स के प्लांट को ग्रो करने का। तो देखें दोस्तों कितने सारे इन पर बड्स बने हुए हैं जगह जगह, इधर देखिए कलियाँ हैं काफ़ी प्यारी, और ये काफ़ी बिग साइज़ में दोस्तों फ्लावर खिलते हैं। अभी इनका साइज़ थोड़ा सा छोटा है, लेकिन अभी और बड़ा इनका साइज हो जाएगा। तो कुछ इस तरीके से ये मेरा गुलाब का प्लांट है। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर कीजिएगा अपनों में, और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लें। और दोस्तों, किसी की एक कमेंट आई थी मेरे पास, क्या हमारा मोगरा जैस्मिन रोज़ का प्लांट है उस पर उसकी जो ग्रोथ है दोस्तों वो तो काफ़ी अच्छी है, लेकिन वो ब्लूम नहीं कर रहा। तो मैं आपको बता दूं, अभी जो ये टाइमिंग है, ये क्या चल रहा है दोस्तों, नवंबर चल रहा है, तो इसमें जो है दोस्तों वो ब्लूमिंग नहीं करते। और दूसरी बात ये कि आपका जो प्लांट है उसको आपने कैसी जगह प्लेस किया है, परमानेंट जितने भी प्लांट होते हैं दोस्तों उनको फुल सनलाइट चाहिए होती है, तो आप थोड़ा इसका भी ध्यान रखें। मोगरा जैस्मिन दोस्तों मार्च के बाद या मार्च में काफ़ी अच्छी फ्लावरिंग करेंगे करते हैं, तो आप थोड़ा सा वेट करें। अगर आपका पहले से नहीं कर रहा तो थोड़ा सा ये प्रॉब्लम हो सकता है धूप का, तो नहीं तो आपको मार्च में काफ़ी अच्छी ब्लूमिंग मिलने वाली है। थोड़ी सी और उसकी केयर करें, उसको फुल सनलाइट में रखें, हल्की सी प्रूनिंग कर दें, तो आप देखेंगे कि आपका जो प्लांट है मोगरा जैस्मिन का वो काफ़ी अच्छी ब्लूमिंग करने वाला है मार्च में। तो अगर ये मेरा इन्फॉर्मेशन आपको अच्छा लगा है तो मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, और थैंक यू सो मच मुझसे कमेंट में ये पूछने के लिए, मुझे काफ़ी अच्छा लगा आपका कमेंट मेरे पास आया। तो ऐसे कमेंट्स आप कर सकते हैं अपने प्लांट्स के बारे में, मुझसे कुछ भी पूछ सकते हैं। तो मिलता हूँ मैं किसी और वीडियो में, आप सभी अपना ख्याल रखिए और अपने गार्डन का भी, और साथ में अपने अपनों का भी। तो गुड बाय दोस्तों।